What is up guys, my name is Drew and welcome to my channel. आज मेरे पास है DT8 Ultra Plus, ये DT number 1 की latest launch smart watch है. आज हम इंडिया में सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले. अगर आपको वीडियो को देखने के बाद इस स्मार्ट वॉच को परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज मैं आपको इस वॉच के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और हम सारे फीचर्स को भी टेस्ट करने वाले. सो आप वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना. प्लीज समय जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और यहाँ पे आप सबके लिए सरप्राइज है, इस स्मार्ट वॉच का गिव अवे होने वाला है जो मैं नहीं करने वाला हूँ, बट डीटी नंबर 1 कंपनी खुद करने वाली है जिसमें बहुत ही इजीली पार्ट ले सकते हो. सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नेक्स्ट आपको डीटी नंबर 1 के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है और किसी रिसेंट पोस्ट के ऊपर लाइक एंड कमेंट करना है. नेक्स्ट आपको डीएम करना है आपको स्मार्ट वॉच क्यों चाहिए और आपकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी और आप गिव अवे विनर बन सकते हो. बहुत ही इजी प्रोसेस है और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा पार्ट लेना और आप इस वॉच को विन कर पाओगे. सो गाइस हमारे स्मार्ट वॉच का बॉक्स है, यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में डीटी नंबर 1 की ब्रांडिंग मिलती है एंड बैक साइड में आपको वॉच का मॉडल नेम DT8 अल्ट्रा प्लस लिखा हुआ मिलेगा, प्लस आपको वीआई प्रो ऐप का QR कोड मिलने वाला है. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है. अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है यूजर मैनुअल. अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपको मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, इससे बहुत ही इजीली स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो. सिंपली आप इस तरह से अटैच करके स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे बहुत ही इजीली. और ये हमारा मेन स्मार्ट वॉच DT8 अल्ट्रा प्लस कॉलिंग स्मार्ट वॉच. सो गाइस अभी हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में. स्मार्ट वॉच का वेट है 66 ग्राम. यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन आपको 100% सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है जिससे आपको और भी प्रीमियम लुक मिलता है. यहाँ पे आप दूसरे भी चेक कर सकते हो, लुक एंड फील आपको बहुत ही सुपर एंड प्रीमियम मिल जाएगा. अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे पूरी आपको मेटल की बॉडी मिलती है, पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 21.5 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं जो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा और यहाँ पे आप इस स्ट्रैप को बहुत ही इजीली रिमूव एंड फिर से अटैच कर पाओगे. और आपको स्मार्ट वॉच की राइट साइड में रोटेटिंग क्राउन, पावर बटन एंड आपको माइक मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर एंड एक्शन बटन मिल जाएगा. और आपको स्मार्ट वॉच की बैक साइड में सारे सेंसर्स मिलते हैं, प्लस आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा. और आपको स्मार्ट वॉच में IP68 वाटर प्रूफ फिटिंग मिलता है. सो आप स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, शावर के टाइम यूज कर सकते हो, स्मार्ट वॉच को आप अंडर वाटर स्विमिंग के टाइम भी यूज कर पाओगे, फिर भी आपकी स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगी. नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलता है. फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, इससे आपकी स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी. देखो यहाँ पे ऑन हो चुकी है. नेक्स्ट आपको अपने फ़ोन में वीयर प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है. बाद में सिंपली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सर्च फॉर बाउंड डिवाइसेस, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है. यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच आ जाएगी. देखो हमारी स्मार्ट वॉच आ चुकी है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है. बहुत ही फास्ट स्मार्ट वॉच फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी. देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है बहुत ही इजीली. नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन एनेबल करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है. यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है, यहाँ पे ऑन हो चुका है. और फाइंड करना है वॉच ऑडियो 5658, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, भी कनेक्ट हो जाएगा. सभी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन भी एनेबल हो चुका है. और स्मार्ट वॉच की बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 280 mAh की बैटरी मिलती है. मैंने चेक किया, इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा. और एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 5 to 6 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो. अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज़ करोगे, कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा. सो यहाँ पे आपको बहुत ही डिसेंट बैटरी लाइफ मिलता है. यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच को ऑन एट 2 times चार्ज करके पूरा वीक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यहाँ पे डिसेंट बैटरी लाइफ मिल जाएगी. यहाँ पे स्मार्ट वॉच का नेम है DT8 अल्ट्रा प्लस. यहाँ पे प्लस का मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में एक्स्ट्रा बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है.
स्मार्ट वॉच में आपको 2.1 इंच TFT फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें को 420x485 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है, बेजल्स आपको बहुत ही मिनिमल मिलते हैं, पूरा आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलता है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ईजिली आप डिफरेंट मेनू में नेविगेट कर पाओगे। अगर हम बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके ब्राइटनेस को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्राइट मिलती है, सो आप स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों के समय यूज कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 10 out of 10 डिस्प्ले मिल जाएगी। और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का कॉलिंग रिव्यू करने वाले वो भी लाइव। सो मैं कॉल डायल कर रहा हूँ, बहुत ही यहाँ से डायल हो जाएगा, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। हेलो, कितने पहुंचा है? એવું કે લાગે પાછા આવશો તો એવું? હા તો વાંધો નહીં, હા બનશે તો વાંચે વાંચે હા ખાઈ લીધું। सो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो, कॉलिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई है, आप स्मार्ट वॉच की हेल्प से इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में बहुत ही आराम से कॉलिंग कर सकते हो। अगर आपको कॉलिंग के लिए स्मार्ट वॉच परचेस करना है, इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और साथ में हम टेस्ट करते हैं वॉइस असिस्टेंट को। सिंपली आप इस तरह से टैप करके वॉइस असिस्टेंट को वेकअप कर सकते हो। देखो वेकअप हो चुका है। हे सिरी, हाउ इज द वेदर इन अहमदाबाद? काफी एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पे को और एक फीचर मिलता है, यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच पे म्यूजिक भी एंजॉय कर पाओगे। अब मैं यूट्यूब पे म्यूजिक को स्टार्ट कर रहा हूँ और म्यूजिक आप स्मार्ट वॉच में स्टार्ट होता है। इस तरह से मैं वॉल्यूम अप करता हूँ, मैं इसे स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, सो आप स्मार्ट वॉच पे म्यूजिक भी एंजॉय कर पाओगे। जैसे आपके फोन में कॉल अगर स्मार्ट वॉच में रिंग ना एंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कॉलर का नेम मिलता है, ऐसे कॉल को कट कर सकते हो एंड सिंपली इस तरह से कॉल को पिकअप कर पाओगे। बहुत ही जल्दी पिकअप हो जाएगा, ऐसे वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक के कॉल को कट कर पाओगे, कट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वॉच के UI के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में वेकअप फीचर मिल जाएगा। साइड में आपको मिलता है रोटेटिंग क्राउन, यहाँ पे भी इस क्राउन को रोटेट करके अपने वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में आपको 100+ वॉच फेस मिलता है, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको वॉच फेस के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस मिलेगा, जिसको पूरा आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। बाद में सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फेस से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम। सो आप अपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी फोटो का सिलेक्ट करके अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर पाओगे, तो लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। और स्वाइप डाउन करके आपको कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, ऐसे ब्राइटनेस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ऐसे पूरा म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है ड्रेनिंग में, क्लिक करता है ड्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। सो आपके स्पीकर में अगर पानी चला गया, ऐसे बहुत ही इजीली बात आ जाएगा ड्रेनिंग की हेल्प से, काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्लैश लाइट, आपकी फ्लैश लाइट ऐसे ऑन हो जाएगी, काफ़ी आपको ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, जो आपको नाइट टाइम बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। इसको मैं ऐसे बैक करता हूँ, ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्लिक करके अपने वेकअप फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो बहुत ही इजीली। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने टच टू वेकअप फीचर को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है SOS, सीधे यहाँ से SOS डायल हो जाएगा। यहाँ पे अपनी स्मार्ट वॉच को क्लिक करके म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट हो जाएगी। इस तरह से काफ़ी सी यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएगी। और स्वाइप लेफ्ट करते हैं, सबसे पहले मिलता है एक्टिविटी स्टेटस, नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट आपको मिलता है प्लस का आइकॉन। यहाँ पे क्लिक करके सीधे यहाँ से कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो, मैं क्लिक करता हूँ, अभी कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं ऐड करता हूँ, चलो एयर प्रेशर यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखो फिर से कुछ वो ऐड कर सकते हैं, मैं म्यूजिक क्लिक करता हूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से सब बहुत ही जब ऐड कर पाओगे। और स्वाइप राइट करते हैं, आपको मिलता है क्विक मेनू, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मिलता है, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ऐसे कॉलिंग फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे सारे को क्विक मेनूज मिल जाएगी। और आपको वॉच की लेफ्ट साइड में आपको एक्शन बटन मिलने वाला है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपके स्पोर्ट्स फोन ऐसे ओपन हो जाएगा। सो बहुत ही जल्द इसको भी आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपको साइड में आपको और एक बटन मिलता है, इसको प्रेस करते हैं आपको मल्टीटास्किंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह से सारे यहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाएगी, इसको क्लिक ऐप को ओपन कर सकते हो। इस तरह से मैं ऐसे बैक करता हूँ, बहुत ही जल्दी बैक हो जाएगा। सो बहुत ही जल्द मल्टीटास्किंग बैक कर पाओगे। और स्वाइप अप करते हैं, आपका मेनू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है फोन, ऐसा कॉल डायल कर सकते हो, आपका डायल पेड ओपन हो जाएगा। सिंपली आप इस तरह से डायल कर सकते हो बहुत ईजिली और डायल हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके अपने कॉल हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हो, पूरे कॉल हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऐसे भी बैक कर सकते हो, बैक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है मैसेज, यहाँ पे पूरे को नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको ऐप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे पूरा ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरह से ऑन ऑफ कर पाओगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन ऑप्शन बन जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिलता है कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच में कॉन्टेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 200 कॉन्टेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको ऐड कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, ऐड हो जाएगा बहुत ईजिली।
और नेक्स्ट आपको मिलता है कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बाद में आपको मिलता है फिटनेस डेटा, में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेप काउंट, डिस्टेंस एंड कैलोरी काउंट सब कुछ आपको मिल जाएगा, काफ़ी आपको एक्यूरेट डिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में मल्टीपल स्पोर्ट्स मिलेगा जिसको पूरा यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम किसी मोड को ऑन करते हैं, चलो अभी हम ऑन करते हैं रनिंग को, मैं क्लिक करता हूँ ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, डिस्टेंस मिलता है, स्टेप का मिलेगा, कैलोरी काउंट, आपको हार्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप क्लिक में मोड को ऑफ कर सकते हैं, ऑफ हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, मैं क्लिक करता हूँ। अभी मेजरमेंट स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं मेरा हार्ट रेट कितना आता है। यहाँ पे शो कर रहा है 71 BPM, जो बहुत ही नॉर्मल हार्ट रेट है, बहुत ही मैं काम हूँ। अभी मैं स्वाइप अप करता हूँ, हमें पूरा कोई डेटा मिलता है, पूरा कोई मैक्सिमम सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो काफ़ी आपको डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है ECG, मैं क्लिक करता हूँ। अभी मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा ECG, काफ़ी यूनिक फीचर है। यहाँ पे ECG शो कर रहा है 59 BPM, पूरा यहाँ पे आपको मेजरमेंट मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको मिलता है ब्लड प्रेशर, देखते हैं ब्लड प्रेशर कितना है। मेजरमेंट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे शो कर रहा है 113/073 mmHg, पूरा आपको ग्राफ मिलता है, पूरा आपको मैक्सिमम सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो काफ़ी यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है BO, मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है, इसको एस्पिरेटरी बोलते हैं। मेजरमेंट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे शो कर 97%, जो काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। यहाँ पूरा आपको ग्राफ मिलता है, सब कुछ आपको मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है NFC, इसको आप ऐप से पूरा एक्सेस कर सकते हो, मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, आपको स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, स्टॉपवॉच मिलेगा, इधर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ लिखा माई QR कोड, क्यूआर कोड आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है GPS मोशन हिस्ट्री, आप यहाँ पे ऐप से कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है टाइम मिलता है, वॉइस असिस्टेंट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है अलार्म क्लॉक, फ्लैश लाइट, आपको मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी आपको मिलने वाला है, जो को डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिलता है फाइंड फोन, सो आप स्मार्ट वॉच की ऐप से फोन को भी फाइंड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपके फोन में रिंग स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, मैं क्लोज करता हूँ ऑफ हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिलता है ब्रेथ ट्रेनिंग, यहाँ पे ब्रेथ को भी कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको यहाँ पे मसाजर आपको मिलने वाला है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मसाजर ऑन हो जाएगा। देखो पूरी वॉच भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो चुकी है, सो मसाज जब कर पाओगे, काफ़ी गेमिंग की फीचर है। नेक्स्ट आपको मिलता है लेडी असिस्टेंट, सो गर्ल्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से ट्रैक कर पाओगे, गर्ल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मेनू स्टाइल, ऐसे मेनू स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, बहुत तरह स्टाइल मिलती है, तो कर पाओगे आप। नेक्स्ट आपको मिलता है काउंटर, यहाँ पे कोई गेम भी आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट आपको मिलता है एयर प्रेशर, सब मनोज के अपने एयर प्रेशर को भी आप मेजर कर पाओगे, देखो अभी मेजर हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। लास्ट पे को मिलता है सेटिंग्स, में क्लिक करता हूँ। और सबसे पहले को मिलता है लैंग्वेज, यहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, आप डायल स्विच कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको मिलता है स्क्रीन ऑन एंड ऑफ, ऐसे अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ टाइम को आप चेंज कर पाओगे, स्टाइल भी पूरा चेंज कर सकते हो बहुत ही इजीली, ऐसे मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, इसको आप लेवल से आप चेंज कर सकते हो, मैंने लेवल 1 रखा है। आपको पावर सेविंग मोड मिल जाएगा, आप मोड सिलेक्शन कर सकते हो, इंटोन भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे को इंटोन्स मिलती है, पूरा आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैसेज टू नेम एलार्म क्लॉक आप चेंज कर पाओगे। और नेक्स्ट आपको मिलता है पासवर्ड, यहाँ से आप स्मार्ट वॉच में पासवर्ड भी आप रख सकते हो इस तरह से, तो आपके लिए काफ़ी ऑप्शन बन जाएगा, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है साइड की सेट, यहाँ पे आपको जो साइड की मिले इसको भी आप चेंज कर सकते हो, पूरा आप सेटिंग्स में आप चेंज कर पाओगे, अपना कोई भी फंक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो साइड की के लिए, काफ़ी अच्छा फीचर है। लास्ट में को मिलता है फैक्ट्री सेट, ऐसा आप स्मार्ट वॉच को फैक्ट्री सेट भी कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस, अभी आपको स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको DTH अल्ट्रा प्लस स्मार्ट वॉच को परचेज करना है, इसको आप 100% परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 100% सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह डिजाइन मिल जाएगी, एंड ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको वेल फॉर्मेड स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा इस स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप गिव अवे पार्ट लेना मत भूलना, यहाँ पे स्मार्ट वॉच को विन भी कर पाओगे, सो आप डेफिनेटली पार्ट लेना। ना कोई वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।